तो भाई लोग आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर 3 लाख के सेटअप के बारे में, जो कि हमारे पास रहेगा 2 डुअल बेस, जो कि हम इसे 4 बेस बोल सकते हैं, और 4 डुअल टॉप। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट सेटअप होता है वो होता है 4 बेस और 4 टॉप का, जो कि यहाँ पर रोड शो, डीजे सेटअप या फिर लाइव सेटअप भी आप कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं इतने सेटअप में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 4 टॉप और 4 बेस के बारे में, प्राइस आपको कितना पड़ने वाला है, वॉटेज मैं आपको बता देता हूँ। 600 वाट का डुअल टॉप रहेगा, 125 वाट का HF रहेगा, प्लस यहाँ पर 1500 वाट का बेस रहेगा, जो कि 4 बेस रहेगा, मतलब 4 स्पीकर होंगे आपका बेस में। और यहाँ पर सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, बेस का मॉडल नंबर क्या रहेगा, बेस का स्पीकर का प्राइस कितना होगा, बेस का कैबिनेट का प्राइस कितना लगेगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली सभी का प्राइस बताऊंगा। और आप एम्पलीफायर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर टॉप के लिए एम्पलीफायर आपका रहेगा BL12 और बेस के लिए एम्पलीफायर रहेगा BL14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी एम्पलीफायर आपके लिए होने वाला है। प्लस यहाँ पर इसका प्राइस बताऊंगा, सभी का अलग अलग करके प्राइस बताऊंगा, HF का अलग करके प्राइस बताऊंगा। तो फुल डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। सो गाइस बात करेंगे यहाँ पर 3 लाख के लगभग आसपास में डीजे सेटअप बनाने वाले, जो कि 4 बेस और 4 टॉप आप रेडी कर सकते हैं विदाउट जनरेटर, विदाउट स्टेबलाइजर। तो यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो 3 लाख के आसपास में आप इतना सेटअप काफ़ी अच्छा तगड़ा वाला बना सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फुल स्पेसिफिकेशन, फुल डिटेल्स के ऊपर, कनेक्शन वगैरह सभी जानकारी। तो यहाँ पर जो स्पीकर रहेगा वो रहेगा टर्बो ऑडियो, जैसे कि आपको पता है SLB की तरफ से आता है टर्बो ऑडियो का स्पीकर, और SLB का जो है एम्पलीफायर आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टर्बो ऑडियो का स्पीकर, तो पहले हम बात करेंगे बेस स्पीकर के ऊपर। बेस स्पीकर में रहेगा हमारा 1500 वाट का स्पीकर, जो कि यहाँ पर 4.5 इंच वॉइस कॉइल में रहेगा, और यहाँ पर जो उसका मॉडल नंबर रहेगा वो रहेगा TA18F, और 18 इंच का स्पीकर रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीकर है, और 1500 वाट का आपका होने वाला है RMS पावर में। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 14,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली प्राइस रहेगा, प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है 400-500 के आसपास। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टर्बो ऑडियो का एक स्पीकर, जो कि आपका टॉप के लिए रहेगा, जो कि 600 वाट RMS पावर में रहेगा। इसका वॉइस कॉइल रहेगा 4 इंच और 15 इंच का स्पीकर रहेगा, 600 वाट RMS पावर रहेगा आपका, और यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर रहेगा वो रहेगा TA15-600F, जो कि 600 वाट में रहेगा। इसका प्राइस लगभग आपको 6,500 से 7,000 तकरीबन पड़ेगा, तो 7,000 का इसका प्राइस रहेगा एक स्पीकर का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सभी का स्पीकर का जो प्राइस रहेगा वो कितना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बेस का स्पीकर रहेगा 4 स्पीकर, तो यहाँ पर 4 बेस का जो स्पीकर रहेगा उसका प्राइस आपका पड़ेगा 58,000 रुपये, और यहाँ पर जो आपका 8 टॉप का स्पीकर रहेगा, मतलब कि एक टॉप में आपका 2 स्पीकर लगने वाला है, तो 4 टॉप का जो आपका 4 टॉप में जो स्पीकर लगेगा वो लगेगा 8 स्पीकर। तो यहाँ पर इसका जो टोटल प्राइस हो जाता है वो हो जाता है 56,000 रुपये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लिए हमें कैबिनेट लेना पड़ेगा, जो कि बेस के लिए कैबिनेट लेना पड़ेगा और टॉप के लिए कैबिनेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बेस का जो रहेगा वो डुअल कैबिनेट रहेगा, आप यहाँ पर सिंगल कैबिनेट भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो लगभग समथिंग बराबर ही पड़ने वाला है। यहाँ पर बेस का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 30,000 रुपये, मतलब कि यहाँ पर 4 स्पीकर आपको बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर 30,000 रुपये आपका कैबिनेट का हो गया, जो कि बेस के लिए रहेगा। टॉप के लिए जो कैबिनेट रहेगा वो आपका प्राइस पड़ने वाला है लगभग 28,000 रुपये। तो यहाँ पर आप मल्टीपल करके आप लगा सकते हो कि आपका प्राइस कितना पड़ने वाला है। तो यहाँ पर टॉप कैबिनेट 28,000 रुपये, बेस कैबिनेट 30,000 रुपये। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब इसमें हमें टॉप में HF लगाना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको HF लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हम टॉप में ऊपर में HF लगाते हैं और फ्लेयर लगाते हैं, प्लस हमें नेटवर्क प्लेट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप दुकान में भी लगवाते हो या फिर आप खुद से भी लेते हो तो आपको इतना सारा सामान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर HF और फ्लेयर और नेटवर्क सभी का जो प्राइस रहेगा, मतलब 4 कैबिनेट में हम लगाएंगे, 4 फ्लेयर लेना पड़ेगा हमें, 4 नेटवर्क प्लेट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसका प्राइस रहेगा 7,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मेटल का फ्लेयर लेते हो तो प्राइस ज़्यादा जाएगा, और जो प्लास्टिक का फ्लेयर आता है तो यहाँ पर लगभग 7,500 में आपका नेटवर्क समेत, यहाँ पर इसका 7,500 में आपका 4 कैबिनेट में बैठ जाएगा,
और वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर एचएफ के बारे में। आपको यहाँ पर ड्राइवर यूनिट लेना पड़ेगा जो कि एचएफ हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 125 वाट का एचएफ रहेगा और यहाँ पर जो उसका प्राइस रहेगा वो रहेगा 6,500 रुपये। 6,500 रुपये का एक आपका ड्राइवर यूनिट रहेगा जो कि 125 वाट का RMS पावर में रहेगा और चार हमें लेना पड़ेगा तो उसका टोटल प्राइस हो जाता है 26,000 रुपये। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं सभी को। तो यहाँ पर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं जैसे कि बेस वगैरह और यहाँ पर एम्पलीफायर का भी मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टॉप कंप्लीट करके कितना पड़ जाता है और बेस कंप्लीट करके कितना पड़ जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर बेस का प्राइस आपको कितना पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बेस का जो 4 स्पीकर रहेगा उसका प्राइस आपको 58,000 रुपये पड़ेगा। प्लस इसमें आपको कैबिनेट लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 4 कैबिनेट या फिर आप 2 कैबिनेट लेंगे डुअल का तो इसका प्राइस 30,000 रुपये आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर टोटल प्राइस आपका अगर 4 स्पीकर का बेस अगर आप कंप्लीट बनाते हैं या फिर डुअल में बनाइए या फिर सिंगल में बनाइए तो लगभग यहाँ पर आपका 88,000 रुपये के आसपास आपको पड़ने वाला है। वही हम बात करेंगे टॉप के बारे में। तो यहाँ पर हमें 4 टॉप को बनाने के लिए यहाँ पर 8 स्पीकर लेना पड़ेगा जो कि 600 वाट का रहेगा RMS पावर में। इसका प्राइस 56,000 रुपये आप ऐड कर लीजिए। प्लस यहाँ पर टॉप कैबिनेट लेना पड़ेगा जो कि हमें 4 पीस लेना पड़ेगा जो कि 2 पेयर में आएगा आपका 28,000 रुपये कैबिनेट का हो गया। प्लस यहाँ पर 4 पीस HF का हो गया जो कि 26,000 रुपये और यहाँ पर जो HF और जो कि आपका फ्लेयर और नेटवर्क प्लेट तो यहाँ पर 7,500 रुपये। टोटल को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 4 टॉप कंप्लीट 117,500 रुपये में बनेगा। मतलब कि 117,500 रुपये में आपका 4 टॉप कंप्लीट बन जाएगा। टोटल अमाउंट को अगर हम ऐड करते हैं और जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस निकलने वाला है वो यहाँ पर 205,500 रुपये। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 205,500 रुपये में 4 बेस और 4 टॉप कंप्लीट यहाँ पर बन जाएगा जो कि यहाँ पर काफ़ी हैवी टॉप होने वाला है और काफ़ी हैवी बेस भी आपका बनने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाता है यहाँ पर मिक्सर हमें लेना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर एम्पलीफायर लेना पड़ेगा जो कि मैंने आपको बताया टॉप के लिए और बेस के लिए हमें एक एक एम्पलीफायर चाहिए और एक मिक्सर चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे SLB का BL12 के एम्पलीफायर के बारे में, इसका प्राइस कितना पड़ने वाला है। तो इसका प्राइस लगभग 40,000 के आसपास आप ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर हमारे पास रहेगा BL14 जो कि इसका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास आप ऐड कर लीजिए। और एक मिक्सर रहेगा हमारे पास जो कि 10,000 के आसपास आप ऐड कर लीजिए जो कि DJ मिक्सर रहेगा। आप यहाँ पर अगर आप लाइव प्रोग्राम के लिए मिक्सर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं जो कि 8 चैनल या फिर 10-12 चैनल वाला ले सकते हैं। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल प्राइस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 305,500 रुपये निकल के आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफायर का 90,000 हो गया दोनों एम्पलीफायर का, प्लस एक मिक्सर आप ले लीजिए 10,000 का अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर 100,000 रुपये इधर हो गया, प्लस यहाँ पर 205,500 रुपये में आपका 4 बेस 4 टॉप कंप्लीट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपका प्राइस बनने वाला है 305,500 रुपये। इसमें आपको वायर और केबल वगैरह लेना पड़ेगा जो कि स्पीकर केबल या फिर आप यहाँ पर XLR या फिर आप जैक पिन जो भी आपको लेना है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर केबल वगैरह यहाँ पर एक्स्ट्रा और लेने पड़ेंगे। तो लगभग यहाँ पर 310,000 या फिर 15,000 के आसपास आपको ये सेटअप पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपका 3,00,000 के तकरीबन में आप यहाँ पर ऐसा सेटअप बना सकते हैं जो कि 3,10,000-15,000 के आसपास जाने वाला है। मतलब 3,00,000 के प्लस ही पड़ेगा आपको अगर आप काफ़ी अच्छा सेटअप बनाते हैं तो। मतलब कि यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छा रखते हैं जैसे कि कैबिनेट वगैरह जो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लेते हैं तो आपका 3,00,000 से ऊपर का यहाँ पर प्राइस जो है पड़ने वाला है। जो कि आपके पास यहाँ पर जनरेटर आपके पास नहीं रहेगा, स्टेबलाइजर भी नहीं रहेगा, उसमें आपको स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा प्लस यहाँ पर जनरेटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जनरेटर लेना चाहते हैं और यहाँ पर स्टेबलाइजर भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कितना केवी का स्टेबलाइजर और जनरेटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप जनरेटर लेते हैं तो आप यहाँ पर 15 KVA का जनरेटर यूज़ करिए प्लस यहाँ पर 15 KVA का स्टेबलाइजर यूज करिए, काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज मैंने आपको बताया यहाँ पर फुल डिटेल्स जैसे कि यहाँ पर बेस का प्राइस, टॉप का प्राइस, एम्पलीफायर का प्राइस, सभी सेटअप का प्राइस मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर टर्बो ऑडियो का जो मैंने आपको टॉप स्पीकर बताया जो कि इसका मॉडल नंबर है TA15600F जो कि 7,000 के प्राइस में आता है लगभग और 600 वाट RMS पावर में आता है, 15 इंच का स्पीकर है, 4 इंच वॉइस कॉइल में आता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल रिव्यू, फुल डिटेल्स, फुल स्पेसिफिकेशन लोड कर
कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो बेस का मैंने आपको यहाँ पर बताया इस वीडियो में, जो इस सेटअप में बेस यूज किया गया है, जो कि है यहाँ पर टर्बो ऑडियो की तरफ से 1500 वाट आरएमएस पावर में, इसका मॉडल नंबर है TA18F, जो कि 18 इंच के यहाँ पर स्पीकर आता है और 4.5 इंच वॉइस कॉइल में आता है। इसका प्राइस 14,500 रुपये है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो फुल रिव्यू और फुल डिटेल्स और फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।